व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है द फॉल्स जेम। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और गाय दी मुफासा ने लिखी है। तो हम आज की इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम राइटर की थोड़ी सी बायोग्राफी देखेंगे, उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताऊँगी और फिर हम पढ़ेंगे कि शॉर्ट स्टोरी क्या होती है और फिर उसके बाद डिटेल्ड समरी होगी। सबसे पहले हम बायोग्राफी देखते हैं। तो कंप्लीट नेम क्या है, हेनरी रेने ऑल्पर्ट गाय दी मुपासा, ठीक है, काफ़ी लंबा सारा नेम है। उसके बाद है बॉर्न, यानी डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी, 5 अगस्त 1850 पेरिस, ठीक है, तो फ्रांस में ये पैदा हुए 1850 में। और डेथ डेट क्या है, 1893 6 जुलाई, और 42 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई और डेथ भी फ्रांस और पेरिस में हुई थी। ऑक्यूपेशन क्या था, ये नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे और उसके अलावा पोइट भी थे। जॉनरा नेचुरलिज्म रियलिज्म, ठीक है, तो नेचुरलिज्म क्या है, ये रियलिज्म की थोड़ी एक्सट्रीम फॉर्म है, ये रियलिटीज़ को स्ट्रेट फॉरवर्डली प्लेन वे में दिखाते हैं। तो एक इनकी ज़्यादातर शॉर्ट स्टोरीज़ इसी नेचुरलिज्म की बेस पे ही लिखी गई हैं। ड्यूरिंग द शॉर्ट स्पैन ऑफ हिज लाइफ ही रोट 300 शॉर्ट स्टोरीज, 6 नॉवल्स, 3 ट्रैवल बुक्स एंड 1 वॉल्यूम ऑफ वर्स। तो हम देखते हैं कि उनकी एज बहुत कम थी, यानी सिर्फ 42 ईयर्स वो ज़िंदा रहे। तो इतनी छोटी सी ज़िंदगी में उन्होंने 300 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी और 6 नॉवल्स लिखे, 3 ट्रैवल्स बुक लिखी और उसके अलावा एक वर्स बुक यानी पोइट्री की भी एक बुक लिखी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, अब स्टोरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना जा रही हूँ। पब्लिश कब हुई ये शॉर्ट स्टोरी, 1883 में, और सेटिंग क्या है, पेरिस फ्रांस, और ईयर कौन से हैं, यानी किस दौरान में ये स्टोरी लिखी गई, मतलब हमारी कहानी किस साल में कितने सालों के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। अबाउट 1850 to 1890s, पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन, थीम्स क्या क्या हैं, डिसेप्शन, ग्रीड, हिपोक्रेसी, मॉडेस्टी। अब हम चलते हैं मेजर कैरेक्टर्स की तरफ। तो मेजर कैरेक्टर्स जो हैं वो दो हैं, मॉन्सियर लेंटिन, मॉन्सियर बेसिकली फ्रेंच में कहते हैं मिस्टर को, ठीक है, जेंटलमैन को, मिस्टर को, तो ये असल नेम हम कह सकते हैं कि असल नेम इनका फिर लेंटिन था। और उसके बाद हमारा सेकंड मेजर कैरेक्टर जो है वो इसकी फर्स्ट वाइफ थी। माइनर कैरेक्टर्स में ज्वेलर्स आ जाते हैं, दो ज्वेलर स्टोर पर जब वो जाता है तो दोनों ज्वेलर्स जो हैं उनका भी कुछ रोल है। उसके अलावा लेंटिन की जो सेकंड वाइफ है वो भी हमारे माइनर कैरेक्टर्स में आ जाती है। व्हाट इज़ शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, ए शॉर्ट स्टोरी इज़ ए वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन दैट इज़ शॉर्टर देन नॉवल एंड लॉन्गर देन नोवेला, यानी नोवेला से बड़ी होती है और नॉवल से छोटी होती है। एडगर एलन पो इज़ इन हिज एसे द फिलोसफी ऑफ कंपोजिशन says that a short story should be read in one sitting anywhere from an hour to 2 hours. तो एडगर एलन पो ने अपने कैसे में शॉर्ट स्टोरी के बारे में इस तरह बताया है, इसको इस तरह डिफाइन किया है कि शॉर्ट स्टोरी इतनी शॉर्ट होनी चाहिए कि इसको इंसान एक सिटिंग में कंप्लीट कर सके, ठीक है, इसमें एक ही जो है वो थीम हो और इसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स भी नहीं होते और प्लॉट जो होता है हमारी मेन चीज़ प्लॉट है, तो प्लॉट जो है वो एक ही होना चाहिए, सब प्लॉट्स नहीं होते इसमें। ए शॉर्ट स्टोरी कैन रेंज फ्रॉम 1000 to 20,000 words, तो शॉर्ट स्टोरी जो है इसके अल्फाज 1000 से कम ना हो और 20,000 से ज़्यादा ना हो। कम 1000 से कम होंगे तो फिर ये नोवेला में आ जाएगा और अगर 20,000 से अबव होंगे तो फिर ये नॉवल की कैटेगरी में चली जाएगी। तो हमारी ये जो शॉर्ट स्टोरी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके राउंड अबाउट 4500 words हैं। अब हम अपनी समरी स्टार्ट करते हैं। मॉन्सियर लेंटिन इज़ ए चीफ क्लर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर हु अर्न्स 3500 francs। तो मॉन्सियर लेंटिन जो है ये चीफ क्लर्क है इंटीरियर डिपार्टमेंट का और उसकी मंथली इनकम क्या है, 3500 francs। ही मेट ए गर्ल एट द रिसेप्शन एंड फेल इन लव विद हर। तो एक दिन वो एक रिसेप्शन पे एक फीमेल से मिलता है, एक लड़की से मिलता है और फौरन ही उसको सर से पैर तक उससे लड़की से मोहब्बत हो जाती है।
शी वॉज द डॉटर ऑफ ए प्रोविंशियल टैक्स कलेक्टर हु हैड बीन डाइड मैनी ईयर्स अगो। तो वो लड़की जो है वो प्रोविंशियल टैक्स कलेक्टर की बेटी है, लेकिन उसकी डेथ हुए बड़ा अरसा गुजर गया है। शी लिव्ड विद हर मदर इन पेरिस, और अब वो लड़की पेरिस में अपनी मदर के साथ रहती है। हर मदर ट्राइड टू फाइंड सूटेबल प्रपोजल्स फॉर हर, तो उसकी माँ जो है वो उसके लिए सूटेबल प्रपोजल ढूंढ रही है, जैसा कि आपको पता है हमारी सोसाइटी में भी यही कुछ चलता है। शी एंड हर मदर हैड वेरी नाइस एंड जेंटल मोड्स ऑफ लिविंग, तो वो लड़की और उसकी माँ जो है वो बड़े डिसेंट किस्म की उनकी वैल्यूज़ होते हैं, मैनर्स होते हैं, तो लोग उनको देख के बहुत इंस्पायर होते हैं और कहते हैं कि बहुत ही ये दोनों माँ बेटियाँ, स्पेशली बेटी जो है ये बहुत मॉडेस्ट है। हर सिंप्लिसिटी एंड मॉडेस्टी चार्म्ड एवरीवन, तो हर कोई उनकी तारीफ़ करता है उनकी मॉडेस्टी की, सिंप्लिसिटी की। एवरीवन वाज प्रेजिंग हर, पब्लिक बिलीव दैट हैप्पी द मैन हु विंस हर लव ही कुडंट फाइंड ए बेटर वाइफ। तो लोग यहाँ तक कहते थे कि वो शख्स जो इससे शादी करेगा वो बहुत खुशकिस्मत होगा और उसको इससे ज़्यादा बेहतर वाइफ नहीं मिल सकती। लेंटिन प्रपोज द गर्ल एंड वॉज एक्सेप्टेड। अब लेंटिन लड़की को प्रपोज करता है और प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। ही वॉज क्वाइट हैप्पी विद हर, और फिर शादी हो जाती है तो बहुत खुशबाश रहते हैं। इवन 6 ईयर्स आफ्टर मैरिज लेंटिन्स हैप्पीनेस एंड लव फॉर हर वॉज सेम। तो उसकी लव का ये आलम है कि शादी के 6 साल बाद भी उसका जो बिहेवियर है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग और लव है, वो सेम ही रहती है। बट ही डिडेंट लाइक हर टू हैबिट्स, लेकिन उसको अपनी बीवी की दो आदतें पसंद नहीं होती, और वो कौन कौन सी हैं, हर लव फॉर थिएटर एंड हर एक्सेसिव इंटरेस्ट इन इमिटेशन ज्वेलरी, यानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो दो बातें कौन सी हैं, एक तो ये है कि उसका थिएटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, यानी मूवीज़ देखने जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट रखती है, और दूसरी बात जो है वो उसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक़ होता है। लेंटिन डिडेंट लाइक थिएटर बट ही हैड टू एकम्पनी हर। लेंटिन को थिएटर पसंद नहीं था लेकिन उसको मजबूरन उसके साथ जाना पड़ता। आफ्टर ए टाइम ही आस्क्ड हर टू रिक्वेस्ट सम लेडी ऑफ हर एक्वेंटेंस टू एकम्पनी हर एंड टू ब्रिंग हर होम आफ्टर द थिएटर। तो कुछ अरसे बाद वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने किसी जानने वाले से कहे जो उसके साथ चली जाया करे और फिर वापस भी वो उसके साथ आ जाया करे, ताकि उसको लेंटिन को ना जाना पड़े। शी डिसएग्रीड फर्स्ट बट परसुएडेड, पहले तो वो इस बात पे नहीं राज़ी होती, लेकिन फिर जब उसको लेंटिन मनाता है तो वो फिर मान जाती है। हर इंटरेस्ट इन ज्वेलरी सडन रोज एंड शी बिगेन टू एडॉन आर्टिफिशियल ज्वेलरी विच ग्लिटर्ड लाइक रियल डायमंड्स। तो अब उसका इंटरेस्ट जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी में और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि थिएटर जाने के लिए आपको पता है जब कोई भी इंसान कहीं जाता है तो उसको अपना गेटअप भी मेंटेन करना पड़ता है, तो उसकी ड्रेसिंग तो सिंपल ही रहती है लेकिन उसका ज्वेलरी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो अब मज़ीद बढ़ जाता है इंटरेस्ट उसका, और वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है और ज्वेलरी भी ख़रीदती है जो कि बिल्कुल डायमंड की तरह लग रही होती है। अराउंड हर नेक शी वोर फॉल्स पर्ल्स एंड ऑन हर आर्म्स ब्रेसलेट्स ऑफ इमिटेशन गोल्ड। तो अब वो मुख्तलिफ़ किस्म की ज्वेलरी पहनती भी है, अपनी गर्दन में उसने एक लॉकेट पहना होता है, फॉल्स पर्ल्स यानी उसने नकली हीरे पहने होते हैं, और उसके अलावा अपने बाजू में उसने सोने के ब्रेसलेट्स भी पहने होते हैं, ठीक है। तो वो प्रिटेंड यही, वो अपने हस्बैंड को ये बता रही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये फॉल्स ज्वेलरी है, इमिटेशन यानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, लेकिन हकीकत क्या है ये हमें कहानी में आगे जाके पता चलती है। लेंटिन एडमोनिश्ड हर ऑफन, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बाय रियल ज्वेलरी, यू ऑट टू अपीयर एडॉर्न्ड विद योर ब्यूटी एंड मॉडेस्टी अलोन विच आर द डियरेस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ योर सेक्स। तो वह कहता है कि तुम्हें ये ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए, बल्कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी सिंप्लिसिटी और मॉडेस्टी के साथ रहो, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं यही जेवरात हैं तुम्हारी सेक्स के, यानी फीमेल के लिए सबसे बड़ा जेवर जो है वो उसकी मॉडेस्टी और सिंप्लिसिटी है। ईयर्स पास्ड बाय एंड हर लव रिमेन्ड सेम फॉर ज्वेलरी एंड थिएटर एज वेल। तो अब वक्त गुजरता रहता है लेकिन उसका इन दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट जो है वैसे का वैसे ही रहता है। वन इवनिंग शी रिटर्न होम फ्रॉम थिएटर चिल्ड एंड इल, और एक शाम जब वो थिएटर से वापस आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हुई होती है, ठंड लग रही होती है, उसको बीमार हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी कफ्ड एंड 8 डेज लेटर शी डाइड ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स। तो 8 दिन बाद फिर क्या होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स की वजह से
यानी उसके फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसकी वजह से 8 दिन बाद वो मर जाती है। आफ्टर हर डेथ लेंटिन बिकेम पुअर विद इन ए मंथ, ही वॉज डिप्रेस्ड ड्यू टू हर डेथ एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बोथ। तो अब उसकी मौत के बाद लेंटिन जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लग जाता है, क्योंकि उसका अपनी बीवी के लिए प्यार और वो अंडरस्टैंडिंग वो सब कुछ इतने अरसे से कायम था, और अचानक से उसकी डेथ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा वो परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा सैड रहता है, और बैठे बैठे अक्सर उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लग जाते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम ये था कि फाइनेंशियली भी उसको बहुत सारे इश्यूज फेस करने हो पड़ रहे होते हैं। हिज वाइफ मैनेज्ड ऑल हाउस होल्ड एक्सपेंसिज इन हिज सैलरी। लेंटिन वंडर्ड हाउ शी कुड हैव मैनेज्ड टू बाई सच एक्सीलेंट वाइन एंड अदर रेयर थिंग्स। तो उसकी बीवी ने सारा घर संभाला हुआ था, उसकी कम तनख्वाह के बावजूद वो पूरा घर बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करती थी। तो लेंटिन खुद भी हैरान होता था कि किस तरह वो उसकी इतनी कम आमदनी में वो इतनी अच्छी शराब खरीद लेती है और भी बहुत सारी कीमती चीज़ें भी खरीद लेती है। ही हैड टू गेट डेट्स एंड सून रिड्यूस टू पॉवर्टी। तो अब क्या होता है, उसको कर्ज लेने पड़ जाते हैं घर चलाने के लिए, लेकिन कर्ज़ जो है ज़ाहिर है जब इंसान लेता है तो मज़ीद हालात तंग होते हैं। तो फिर आखिरकार क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है। वन डे फाइंडिंग हिमसेल्फ विद 1 सेंट इन द पॉकेट ही डिसाइडेड टू सेल समथिंग। तो एक दिन सुबह को क्या देखता है कि उसकी पॉकेट में सिर्फ 1 सेंट होता है, तो वो सोचता है कि वो कोई ना कोई चीज़ बेचे ताकि उसके पास कुछ पैसे आएँ और वो अपना खाने पीने का इंतज़ाम कर सके। ही सून डिसाइडेड टू सेल हर ज्वेलरी बिकॉज हैविंग प्यूरिटेनिकल बेंट ऑफ माइंड इट वॉज़ द मोस्ट अनप्लेजेंट थिंग फॉर हिम। तो अब वो उसके जहन में सबसे पहला ख्याल जो आता है वो उसकी ज्वेलरी सेल करने का आता है कि वो ज्वेलरी सेल कर दे, वो क्योंकि ज्वेलरी उसके लिए सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ होती है। और लेंटिन जो है ये थोड़ा सा इसका माइंड प्यूरिटेनिकल है, प्यूरिटन थोड़ा माइंड रखता है, माइंड सेट रखता है, तो इसलिए ये ज्वेलरी के ख़िलाफ़ होता है और उसे ही सेल करने का सबसे पहले सोचता है। ही टुक हर हैवी नेकलेस पुट इट इन पॉकेट एंड विजिटेड ए ज्वेलर शॉप। तो अब वो सोचता है कि ये सारे जो उसके ज्वेलर्स या उसकी जो नेकलेस या जो भी उसकी ज्वेलरी है ये सारी आर्टिफिशियल है, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसको कुछ ना कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे इनके, इसलिए वो उसका एक नेकलेस जो उसको लग रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है अच्छे वाला है, बेशक आर्टिफिशियल है लेकिन ये इसको थोड़े से ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, तो वो उसका वो नेकलेस लेता है, पॉकेट में डालता है, ज्वेलर की शॉप पर पहुँच जाता है। द ज्वेलर टुक द नेकलेस एग्जामिन इट एंड कॉल्ड हिज क्लर्क टू री चेक इट। तो ज्वेलर उस नेकलेस को देखता है, ख़ुद मुआयना करता है, फिर वो अपने क्लर्क को कहता है इसको एग्जामिन करे। लेंटिन डिस्टर्ब्ड एट इट एंड सेड। लेंटिन इस सारी चीज़ पे बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि ओह आई नो वेल इनफ इट इज़ नॉट वर्थ एनी थिंग। तो कहता है कि मुझे पता है कि इसकी ज़्यादा कीमत नहीं है। उनके दिल में तो वो थोड़ा परेशान हो रहा होता है कि ये आर्टिफिशियल चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा पैसे नहीं मुझे मिलेंगे। बट ज्वेलर्स रिप्लाई वॉज नॉट लेस देन वार्म। ही सेड सर दैट नेकलेस इज़ वर्थ फ्रॉम 12 to 15,000 francs बट आई कुड नॉट बाई इट अनलेस यू टेल मी एग्जैक्टली वेयर इट केम फ्रॉम। तो अब ज्वेलर उसको जवाब देता है और उसका जवाब बड़ा शॉकिंग होता है, कहता है कि ये नेकलेस इसकी कीमत कम अज़ कम 12 से 15,000 francs की है, और वो कहता है कि मैं आपसे उस वक़्त तक नहीं ख़रीदूँगा जब तक आप मुझे सही सही नहीं बताएंगे कि आपके पास ये कहाँ से आया है। लेंटिन टुक द नेकलेस एंड लेफ्ट द स्टोर इन शॉक। लेंटिन को उसके बात पे यकीन नहीं आता, वो उससे नेकलेस वापस लेते हैं और किसी और स्टोर की तरफ चल पड़ता है। ए फ्यू मिनट्स लेटर ही एंटर्ड अनदर स्टोर। फिर वो एक और दुकान पे जाता है, एक और स्टोर में जाता है। द ज्वेलर ऑफ दिस स्टोर क्राइड आउट आफ्टर सीइंग द नेकलेस आई नो इट वेल इट वॉज बॉट हेयर। तो अब जो दूसरा ज्वेलर है वो उसको देख के ही हैरत से चिल्ला उठता है और कहता है कि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ ये मेरी दुकान से ही ख़रीदा गया है। ही टोल्ड I sold it for 20,000 francs. I am willing to take it back in 18,000 when you inform me, according to our legal formality, how it came to be your possession. तो अब वो दूसरे स्टोर वाला कहता है कि ये मैंने एक साल पहले 20,000 francs में सेल किया था, तो मैं इसको 18,000 में वापस लूँगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि ये आपके पास कहाँ से आया। द ज्वेलर चेक द बुक एंड टोल्ड लेंटिन दैट नेकलेस वॉज सेंड टू मैडम लेंटिन्स एड्रेस ऑन 28 जुलाई 1876।
तो ज्वेलर फिर अपने वो कॉपी चेक करता है और उसको देख के बताता है कि ये जो नेकलेस है ये एग्जैक्ट डेट बता देता है कि 28 जुलाई को 1876 में उसके फ्लैट पे भेजा गया था। द नेक्स्ट डे ही अगेन विजिटेड द स्टोर, सोल्ड द नेकलेस एंड पुट 1800 francs इन हिज पॉकेट, 18,000 francs इन हिज पॉकेट। तो अब जो ज्वेलर होता है वो उसे कहता है कि एक दिन के लिए वो नेकलेस उसकी शॉप पे छोड़ जाए ताकि वो उसको अच्छे तरीके से उसका मुआयना कर सके, और वो उसको एक चिट बना के दे देता है। और लेंटिन वो चिट लेके वापस आ जाता है। फिर अगले दिन वो दोबारा उसी स्टोर पे जाता है और फाइनली वो फिर नेकलेस को सेल कर देता है। ही ऑल्सो टोल्ड अ ज्वेलर दैट ही हैड मैनी अदर जेम्स लाइक दिस एंड ही इंटेंडेड टू सेल दैम एज वेल। तो जब वो दुकान से निकलने लगता है तो वो ज्वेलर को दोबारा बताता है कि उसके पास और भी जेम्स हैं जो कि पहले तो उसके ख्याल में फॉल्स थे, लेकिन अब उसको आइडिया हो रहा होता है कि वो सारे रियल हैं। तो वो उनको बताता है, वो उसे पूछता है दुकान वाले से कि क्या वो उनको ख़रीद लेगा। तो दुकान वाला उसको कहता है कि हाँ ठीक है, वो उसे ख़रीद लेगा। एन आवर लेटर ही रिटर्न अगेन विद जेम्स, और दोबारा वो 1 घंटे बाद वापस आता है वो सारे जेम्स लेके जो उसके घर में उसकी बीवी के पड़े होते हैं। वॉकिंग आउट ऑफ ज्वेलरी शॉप विन 143,000 francs, लेंटिन फेल्ट लाइक ए न्यू मैन। तो अब वो सारी चीज़ें जब बेच के उसकी शॉप से निकलता है तो वो 1,43,000 francs की अमाउंट अपने पॉकेट में लेके निकलता है। दी नेक्स्ट डे ही सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन क्लेमिंग एन इनहेरिटेंस ऑफ 300 francs। तो अगले ही दिन वो क्या करता है कि वो रिज़ाइन कर देता है अपनी जॉब से और दावा करता है कि उसको विरासत में हिस्सा मिला है 300 francs का। तो वो सारी रकम जो उसने अपनी बीवी की ज्वेलरी सेल करके ली होती है, तो जब रकम उसके पास आ जाती है तो वही स्नोबिश एटीट्यूड अपना लेता है कि अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। और वो सारी अफसुदगी और परेशानी जो उसकी वाइफ के डेथ के बाद वो फेस कर रहा होता है वो पैसे आने के फौरन बाद ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे हमें हिपोक्रेसी की थीम नज़र आती है कि एक तरफ तो वो अपनी वाइफ की लाइफ में उसको कहता था कि मॉडेस्ट रहे, सिंपल रहे, लेकिन जब उसकी डेथ के बाद वो ज्वेलरी उसके काम आ जाती है तो वो सारी बातें भूल जाता है, इवन कि उसकी डेथ का अफसोस भी भूल जाता है और अमीर होने की खुशी में बहुत ज़्यादा खुश रहता है। टू सेलिब्रेट ही बॉट ए मील एट द कैफे एंड ग्लेस, और फिर वो एक बहुत शानदार किस्म के कैफ़े में जाके खाना खाता है। 6 months लेटर ही मैरिड अगेन, हिज सेकेंड वाइफ वॉज वर्चुअस वीमेन बट हैड ए वायलेंट टेम्पर, शी कॉज्ड हिम मच सोरो। तो 6 माह बाद वो दोबारा शादी करता है और अब उसकी दूसरी बीवी जो है वो बड़ी वर्चुअस किस्म की है, बड़ी नेक और परहेजगार है, लेकिन वो उसका रवैया मिजाज बहुत सख्त है और बहुत लड़ाकू और मतलब लड़ने वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली औरत है। तो ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनती है। तो इसमें हमें अब यहाँ पे जो थीम नज़र आ रही है वो ये है कि बज़ाहिर अपीयरेंस कुछ और है, रियलिटी कुछ और है, यानी डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। अब उसकी फ़र्स्ट वाइफ बज़ाहिर बहुत अच्छी थी लेकिन वो हस्बैंड के साथ चीटिंग कर रही थी, लवर से कॉस्टली गिफ्ट्स लेती थी, उनके वो सारी ज्वेलरी जो है वो उसकी अपने हस्बैंड की इतनी कम इनकम में कभी भी नहीं ख़रीद सकती थी। तो ऑब्वियसली वो उसके लवर्स उसको भेजते थे, तो बज़ाहर वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी थी, अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी, लेकिन उसको डिसीट कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें अपीयरेंस और रियलिटी में फ़र्क है वो भी नज़र आता है। अब क्योंकि सोसाइटी के बनाए हुए पैमाने और हैं और जो हकीकत होती है वो और होती है। अब यहाँ पे उसकी जो सेकंड वाइफ है वो बड़ी वर्चुअस वूमेन है बज़ाहिर, लेकिन उसका मिजाज जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।